नमस्ते। आज ओएलआई के लिए काफी खुशी का दिन है क्योंकि आज हमारी तीसरी सालगिरह है। साथ ही मेरे लिए थोड़ा दुख का दिन है क्योंकि मेरा आपसे विदा लेने का समय आ गया है। अब मैं आईआईटी से ग्रेजुएट हो रहा हूँ और ओएलआई से जुड़ा नहीं रह पाऊंगा। पिछले 3 साल में ओएलआई ने मुझे काफी सुनहरे पल दिए। मेरी दिन की शुरुआत होती थी गिनतियों के साथ, कितने व्यूज हुए, कितने सब्सक्राइबर्स हुए। मेरे को आज भी यकीन नहीं हो रहा कि 3 साल के अंदर हमने 50,000 के ऊपर सब्सक्राइबर्स और 40,00,000 के ऊपर व्यूज मिल गए, और ये सब मुमकिन हुआ है आप लोगों के प्यार और सहयोग की वजह से। कई दिन उठ के हमें पता चलता था कि हमारे व्यूअर्स ने कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे हैं। एक दिन हमें कमेंट्स के द्वारा पता चला कि झारखंड में जो गिरिधी डिस्ट्रिक्ट है, जो नक्सलवादी है और जहाँ पे परमानेंट टीचर्स पढ़ा नहीं सकते, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे चैनल के वीडियोस से छात्रों को शिक्षित कर रहा है। और ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात थी क्योंकि जिस मकसद से हमने ओएलआई शुरू किया था वो मकसद हमें पूरा होता हुआ दिख रहा था। अभी कुछ दिनों पहले हमें एक मेल आया जिसमें भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, इन्होंने हमें अपने एक इनिशिएटिव में हिस्सेदार बनाने का सुझाव रखा, और भारत सरकार ने भी हमें नोटिस किया। ये हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात थी और ये सब मुमकिन हुआ है आप लोगों के सहयोग की वजह से। अब मैं तो ओएलआई से जुड़ा नहीं रह पाऊंगा, फिर भी मैं कमेंट्स पढ़ूंगा, काफ़ी मज़ा आता है, और देखूंगा कितने सब्सक्राइबर्स हुए, व्यूज़ हुए। मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी आपका ऐसा ही सहयोग मिलता रहेगा ओएलआई को। तो जिन जिन लोगों ने ओएलआई पे सब्सक्राइबर बटन दबाया है, जिन्होंने कमेंट्स किए, वीडियोज़ लाइक या शेयर किए हैं, आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको लगता है कि ओएलआई ने आपकी कुछ मदद की है और आप ओएलआई को रिटर्न में कुछ देना चाहते हैं, तो आप एक ऐसे इंसान को शिक्षित कीजिए जिसके पास अभी शिक्षा के कोई माध्यम अवेलेबल नहीं है। यही हमारे लिए सबसे बड़ी भेंट होगी। धन्यवाद।